हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राज। वेलकम टू फिटनेस हॉट स्टार। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इम्यून सिस्टम पे है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ साइंटिफिक टिप्स और टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो यहाँ आपको पैनिक करने की कोई नीड नहीं है। आपको यहाँ पर नीड है तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की, जिससे 80% चांसेस हैं कि कोरोना वायरस, तो क्या कोई भी वायरस आपको छू तक नहीं सकता। और अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो भी गए तो आप यूं ठीक हो जाएंगे। और जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि उनको कोरोना वायरस नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप बाहर से कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर से आप कैसे हैं, आपका इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, कितना स्ट्रांग है, ये आपको नहीं पता होगा। तो प्लीज़ आप रिस्क मत लीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो टिप्स और टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, ये कुछ डिफरेंट हैं, आपने पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक हैं, जिन्हें मैं खुद फॉलो करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक दिन फॉलो करके ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, ये कोई हलवा नहीं है। आपको इन टिप्स और टेक्निक्स को रेगुलर फॉलो करना है, तब भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो पाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिप नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, आपने आजकल देखा होगा कि YouTube पे कई लोग ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें आपको बता रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए ये एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज है। लेकिन बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, मैं आपको बता दूं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है। इम्यून सिस्टम आप जनरल फिजिकल एक्टिविटीज़ के बेस पे स्ट्रांग बना सकते हैं, जिसके बिहाफ में आप वॉकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग और मेनली योगा प्रेफर कर सकते हैं, या इसके अलावा आप होम बेस्ड वर्कआउट भी प्रेफर कर सकते हैं। मेरी YouTube पे ऑलरेडी होम वर्कआउट से रिलेटेड 15 से 20 वीडियो अपलोडेड हैं, जो आप मेरे चैनल फिटनेस हॉटस्टार पे फाइंड कर सकते हैं। सो टिप नंबर सेकंड, यूज़ कॉपर बॉटल। फ्रेंड्स, अगर आप पानी को तांबे की बॉटल में स्टोर करके कंज्यूम करेंगे, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉटल्स एंड स्टील बॉटल्स। और यही नहीं, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होगा और आपके ब्रेन की फंक्शनिंग और हार्ट की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होगी। सो टिप नंबर थ्री, यूज़ तुलसी ड्रॉप। फ्रेंड्स, ये टिप मैं सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप जो भी पानी कंज्यूम करते हैं, उसमें आप 2 से 3 बूंदें तुलसी ड्रॉप की मिला के पिए, या फिर आप एक बॉटल ले लीजिए, उसमें आप 8 से 10 बूंदें तुलसी ड्रॉप की मिला के पिए, क्योंकि तुलसी जो है वो एक एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल है, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है। सो टिप नंबर फोर, टेक प्रॉपर डाइट। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा और आपने बहुत सुना भी होगा कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि विटामिन सी आपको कितनी कंज्यूम करनी है। फ्रेंड्स, पर डे आप विटामिन सी 65 मिलीग्राम टू 90 मिलीग्राम कंज्यूम कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप इसको 2000 मिलीग्राम कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपने विटामिन सी कंज्यूम की, तो इससे आपको डायरिया या फिर नौशिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी विटामिन सी कंज्यूम कर रहे हैं, वो सप्लीमेंट फॉर्म में नहीं होने चाहिए, वो नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल में आप यहाँ पर मौसमी, संतरा, पपाया, पाइनएप्पल या फिर कीवी को ऐड कर सकते हैं फ्रूट्स में, जो कि फ्रेश होनी चाहिए। और वेजिटेबल्स में आप यहाँ पर पालक, टमाटर, ब्रोकली या फिर शिमला मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि खाने में आपको क्या अवॉइड करना है जो आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है। यहाँ पर आपको जंक फूड बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, आपको कोई भी स्वीट ड्रिंक कंज्यूम नहीं करनी है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम नहीं करनी है, और बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि अल्कोहल से कोरोना वायरस डिक्रीज होगा, लेकिन अल्कोहल आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब करेगा अल्टीमेटली। तो चलिए बात करते हैं टिप नंबर फिफ्थ की, जो है टेक नेचुरल टी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चाय बनाने की रेसिपी बताने जा रहा हूँ, जिसको कंज्यूम करने से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं और ये टी एक एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल है। सो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आपको एक कप में हॉट वाटर लेना है, जिसमें आपको थोड़ा सा गार्लिक ऐड करना है और थोड़ा सा जिंजर ऐड करना है, और कुछ लीव्स आपको तुलसी की ऐड करनी है।
इसको ऐड करने के बाद आपको इसको प्रॉपरली मिक्स करना है और इसको आपको देन छान लेना है। छानने के बाद आप टेस्ट के लिए चाहे तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब लास्ट स्टेप की, जो है स्लीप प्रॉपरली। फ्रेंड्स, आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर स्लीप ज़रूर लेनी है, जिसमें आपको 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर रेस्ट लेनी है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको ना ही कोई फ़ोन यूज़ करना है, ना ही गेम खेलनी है। और ये मैं स्पेशली यंगस्टर्स को बोल रहा हूँ जो नाइट में जाके गेम खेलते हैं या फिर चैट करते हैं, जिससे स्लोली उनका इम्यून सिस्टम डाउन होते जाता है और उनको इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी टिप्स और टेक्निक्स। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर स्क्रीन में मैंने अपना पर्सनल नंबर भी मेंशन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।